आंदोलन के पक्ष में भारत बंद को सभी राज्यों में पूरा समर्थन मिल रहा है। महिलाओं ने भी अपना इसमें बढ़ चढ़कर समर्थन दिया है। महिलाओं ने कहा कि अब वह भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगी। किसान सुबह से ही सड़कों और रेल की पटरियों पर बैठे हैं। हालांकि सेना के वाहनों और एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बसें व ट्रेनों के बंद होने से यात्री भटकने को मजबूर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान व किसान हलका अध्यक्ष जिले सिंह मोर की अध्यक्षता में भारत बंद को लेकर कलायत में नेशनल हाईवे को सुबह 6 बजे ही जाम कर दिया गया। भारत बंद का असर कलायत में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। शहर में करीब 90% दुकानें बंद रही। खाप प्रधान रामपाल सहारण ने बताया कि आज के भारत बंद का असर हर जगह पर दिख रहा है। आज के इस आंदोलन में 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज जो है किसान संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि भारत को बंद करेंगे और हम जो है इस समर्थन में शामिल हुए हैं। सड़कों पे आने का हमें कोई शौक नहीं है। सरकार ने आज मेरे वर्ग को जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनको सड़कों पे बिठा दिया है, क्योंकि जो सरकार ने जनता को जो सपने दिखाए थे और कहा था कि इस देश का हम विकास करेंगे, नरेंद्र मोदी जी चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने पूरे के पूरे देश को बेच दिया। पिछले दिनों आपने देखा है सरकार ने एक नाटक भी रचा कि तिरंगे का अपमान किया गया लाल किले के ऊपर। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि किस लाल किले की बात कर रहे हो जिसको आपने डल भी आके यहाँ गहने पे रख दिया है। और सरकार ने सभी सरकारी महकमों को, चाहे रोडवेज है, बिजली है, हवाई अड्डे हैं, हर चीज को सरकार ने बेच दिया अडानी अंबानी को। एक खेती बची थी, खेती को उजाड़ने के सरकार ने जो ये काले कानून पास किए हैं इनको कतई सहन नहीं किया जाएगा। और ये लड़ाई अब केवल किसान की नहीं, ये मजदूर की, महिलाओं की, तमाम मेहनत कश लोगों की लड़ाई बन चुकी है। और ये काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और आज सड़कों पे जनता को सरकार ने बिठाया है, टाइम नजदीक है, ये जनता सरकार को सड़क पे कटोरे लेके बिठाएगी। ये हम चैलेंज करना चाहते हैं सरकार को। ना हम पर्चों से डरने वाले हैं, ना जेल में जाने से डरने वाले हैं। और इतिहास रहा, देश की आज़ादी में महिलाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी जो है अपनाई थी। आज भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आंदोलन में शामिल है और हम बिल्कुल तैयार होके आए हैं कि सरकार कितने अटकटे अपना ले, ये लड़ाई हम जीतेंगे, 101% हम जीतेंगे। देश के अंदर तो बाजार बंद है, रेल बंद है और सड़कें बंद है, ये पूर्ण रूप से सफल होगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व ब्लॉक के प्रधान किसान नेता है श्री दिनेश सिंह जी मोर, उनकी अध्यक्षता है। और ये सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक भारत बंद का जो आह्वान है, चक्का जाम का जो आह्वान है, वो चलता रहेगा। बारे में पूरा ये जो अभियान पूरे भारत में चला हुआ है, जैसे आज किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान था कि भारत बंद होगा 26 तारीख को, तो आज पूरा 36 बिरादरी सारा हर जाति का भाई जाग चुका है। सरकार को मानना पड़ेगा, ये जन आंदोलन बन चुका है। ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। सरकार को मजबूरन मानना ही पड़ेगा और ये कानून भी रद्द करने पड़ेंगे और MSP भी लागू करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।